स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में समस्या का निराकरण न करते हुए रातों रात परीक्षा ही स्थगित कर दी गई। इस पर बोलते हुए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आता, इनका कोई भी टाइम टेबल निश्चित नहीं है। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 25 सितंबर को ग्रुप सी में 2739 पदों के लिए और 26 सितंबर को ग्रुप डी में 3467 पदों के लिए लिखित परीक्षा होने वाली थी। परीक्षा के लिए हॉल टिकट को लेकर पहले भी हंगामा हो चुका था, कई नामों में गड़बड़ी थी, अधिकांश विद्यार्थी को सेंटर नहीं मिले थे, कई लोगों को महाराष्ट्र के बाहर परीक्षा केंद्र दिए गए थे, इसकी शिकायत की गई थी। परीक्षा के एक दिन पहले ही विद्यार्थी केंद्र के स्थानों पर पहुंच गए, लेकिन शुक्रवार की रात अचानक ही स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने परीक्षा स्थगित करने का फरमान जारी कर दिया। इस पर बात करते हुए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस विषय में सरकार को गंभीरता दर्शाते हुए कार्य करना चाहिए, अगर इस पर सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी। वारंवार परीक्षा रद्द होते है आणि आता या परीक्षेच्या संदर्भात स्वतः मंत्री महोदयांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून सांगितलं की कुठल्याही हालतीत परीक्षा रद्द होणार नाही, कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, आणि त्यामुळे सगळे विद्यार्थी निघाले, पदरचे पैसे खर्च केले आणि विद्यार्थी आल्यानंतर आता आदल्या रात्री त्यांना समजतंय की परीक्षा रद्द झाली। या सरकारमध्ये नेमकं काय चाललं हे समजत नाही, परीक्षा कधी घेतात कधी रद्द करतात याचा कुठलाही टाइम टेबल नाही, ताळतंत्र नाही। एवढंच नाही तर दोन गोष्टी अजून महत्त्वाच्या आहेत की ज्या प्रकारे प्रवेश पत्र देण्यात आले आहेत, उत्तर प्रदेशातलं प्रवेश पत्र, कोणाला कुठलं प्रवेश पत्र, वेगवेगळ्या ठिकाणचे प्रवेश पत्र, एक प्रकारचं मोठं कन्फ्युजन हे विद्यार्थ्यांच्या मनात तयार झालं आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये घोळ आहे। आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं असं आहे की मला तर अशाही तक्रारी मिळालेल्या आहेत की आता काही दलाल मार्केटमध्ये आले आहेत आणि या पदांकरता 5 लाखापासून 10 लाखापासून पैसा गोळा करण्याकरता काही दलाल काम करतायत। मला असं वाटतं अत्यंत गंभीर आहे, या संपूर्ण प्रकरणाकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे आणि अशा प्रकारे हे वारंवार विद्यार्थ्यांचं नुकसान करणं जे चाललेलं आहे बंद झालं पाहिजे, अन्यथा याच्या विरुद्ध आम्ही आंदोलन करू। स्वास्थ्य मंत्री ने इसके पीछे परीक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली आउटसोर्सिंग की गई एजेंसी न्यासा कम्युनिकेशन की अक्षमता का कारण बताया, जिस पर विरोधी पक्ष नेता ने कहा कि घोटाला किसी का भी हो पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए उन्हें घोटाले की सरकार कहा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।